हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस, फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड रिलीफ एंड उसके बाद से हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रखा है, तो आई होप आप लोगों को चीजें अब क्लियर हो रही होंगी। इनफैक्ट स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट आपको क्लियर ही हो गया होगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है। उसमें आपको पता चल गया होगा कि हिमालयन सिस्टम कैसी है, पेनिनसुलर सिस्टम कैसी है, कोस्टल सिस्टम कैसी है और बाकी की चीजें भी कैसी है, तो आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या कुछ है। इसके अलावा मैप मेकिंग क्लासेस भी आपके साथ ही साथ पैरेलली चल रही है, तो उसको भी आप लोग फॉलो करते रहिए। अदरवाइज वो एक ऐसा छोटा सा सेक्शन होता है जो जनरली लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन काफी ज्यादा वो स्कोरिंग होता है। तो मैं कहूंगा कि 5 to 10 minutes के होते हैं वो, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिए। 12 बजे हमेशा वो हर रोज दिन में आ जाती है, तो उसको हमेशा फॉलो करिए। और दूसरी चीज, उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए। यू कैन राइट योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट दैट एंड सेंड अस टू अस, तो वो चीज आप लोग जरा वहां पर करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर कोई नहीं, यहाँ पर जरा हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। और अगर कोई गोरखपुर या नियर बाय रीजन का है इन द उत्तर प्रदेश, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फेस टू फेस क्लासेस, वहां पर हमारी फेस टू फेस क्लासेस चल रही होती है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज राइट नाउ गोइंग ऑन। अब देखिए हमारे कुछ जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को देख रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने अपना माउंटेन सिस्टम या फिर कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो टोपोग्राफी वाइज वाली चीज थी वो हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ड्रेनेज के लिए। मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग माजिद हुसैन, जितने भी लोगों के पास बुक है उसको आप लोग ओपन करके बैठिएगा और नोट्स मत बनाइएगा। इसकी नोट्स इसलिए नहीं बनाइएगा क्योंकि मैंने माजिद हुसैन से डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है, तो आप इसे लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है। यहां पर आप सीधे सीधे यहां से नोट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे आपको मेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रीलिम्स में हालांकि क्वेश्चन मिल जा रहे होते हैं लेकिन मेंस में देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो बिल्कुल भी क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग अगेन रखने की काफी ज्यादा इसकी जरूरत है क्योंकि सीधी सी बात है ये है बेसिक्स, और बेसिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी जरूरी है, और क्या पता हो सकता है आ ही जाए मेंस में, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको भी पढ़ लेना। लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है नोट्स इसके बनाइए, नोट्स मत बनाइएगा, बस आप बुक की कॉपी रख लीजिएगा अपने पास में। चलिए खैर, तो ड्रेनेज के बारे में अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूटरीज। जैसा कि हमारे पास नंबर ऑफ रिवर्स है, नंबर ऑफ रिवर्स है, जैसे अगर बात करें रिवर में तो हमारे पास इंडस है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, और कुछ साउथ की भी ले लेते हैं जैसे हमारे पास महादाई रिवर हो गई या हमारे पास कावेरी है, गोदावरी है, नंबर ऑफ रिवर्स हमारे पास पड़ी हुई है। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो हिमालयन सिस्टम की है, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो नॉर्मल है जैसे नर्मदा वगैरह हो गई, नर्मदा वगैरह हो गई या अलग से माउंटेन रेंजेस की रूप में निकल के आ जाती है, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनको हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। अब हमारे पास क्या होता है कि हर एक रिवर की अपनी खुद की एक ट्रेजेक्टरी होती है। ट्रेजेक्टरी कहने का मतलब अपना खुद का इनका एक पाथ होता है। इस पाथ के अकॉर्डिंगली हम लोग उनके ड्रेनेज सिस्टम को या कह लीजिए इनके एक ड्रेनेज पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम पढ़ें क्यों, क्यों पढ़ें? तो देखिए हमारे लिए ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को पहले क्लासीफाई करना। आप लोग पर्सपेक्टिव पढ़ चुके हैं, वहां पर आप लोगों ने क्या किया था बेसिकली ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक्स है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, वेदर इट इज फिजिकल और वेदर इट इज ह्यूमन, इसके अलावा जनरल ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी, तो ये सब बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि किसी एक कॉम्प्लेक्स चीज को हम लोग आसानी से इजी वे में समझ सके। अब कॉम्प्लेक्स चीज क्या है कि पहले नदी आई कि पहले पहाड़ आया, इज इंट इट कॉम्प्लेक्स? तो कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से हम लोगों को इसको क्लासीफाई करना काफी जरूरी हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं किसी रिवर के बारे में ही आपको समझना है कि इसकी ओरिजिन क्या है या कहां से ये चीज निकल के आ जा रही है, और समझना क्यों है क्योंकि सीधी सी बात है वेरियस डिजास्टर्स आते रहते हैं, डिजास्टर आते रहते हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रखी है, तो हमें बेसिकली ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि रिवर ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, हाउ इट फ्लोज एंड व्हाट पैटर्न डज इट फॉलो, इन सबके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो देखिए कोई भी चीज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए, पढ़ने की एक इच्छा तभी आएगी आगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक
इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूटरीज होती है। जितने भी रिवर्स हैं उन रिवर्स की अपनी एक छोटी शाखाएं भी होती हैं, ब्रांचेज होती है, जिनको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं अपने इस ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। एंड ट्रंक सिस्टम, ट्रंक मतलब कि जो मेन सिस्टम होता है, मेन रिवर सिस्टम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रंक सिस्टम। विच कलेक्ट एंड फनल सरफेस टू द सी। अब सीधी सी बात है, हमारे पास इंडस भी है जो खैर पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन हमारे पास बाकी के रिवर्स हैं, जैसे गंगा हो गई या गोदावरी हो गई या हमारे पास ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी की सारी अल्टीमेटली होती क्या है, कहीं से भी आए अल्टीमेटली बंगाल में गिर जा रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बेसिकली यहां पर एक फनल शेप में देखिए आ करके अल्टीमेटली ओशियन में चली जा रही है, सी में चली जा रही है, वेदर इट इज बे ऑफ बंगाल और इट इज अरेबियन सी। तो ये चाहे लेक में जाएगी और सम अदर टाइप ऑफ वाटर बॉडी। द टोटल एरिया दैट कंट्रीब्यूट वाटर टू अ सिंगल ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। अब जैसे गंगा है, गंगा के अंदर में जितनी भी वाटर की जो भी सिस्टम होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगी, उसको हम लोग गंगा ड्रेनेज बेसिन बोल देंगे। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन बोल देंगे, इंडस ड्रेनेज बेसिन बोल देंगे। क्लियर? दिस इज अ बेसिक स्पेशियल जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ रिवर सिस्टम, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेबरिंग बेसिन बाय रिज हाईलैंड दैट फॉर्म डिवाइड। तो जो भी पहाड़ आ गया या फिर पर्वत आ गए या फिर प्लेटू आ गया, पठार आ गया, तो जितनी भी चीजें आ जाती हैं, बेसिकली दीज आर द फिजिकल बेरियर्स विच आर डिवाइडिंग द रिवर एंड दिस डिवीजन वी आर लुकिंग इट एज ड्रेनेज सिस्टम। इसी को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के रूप में बोल रहे होते हैं। दस रिवर बेसिन्स आर नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड, दे आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल जियोमॉर्फिक एज वेल एज हाइड्रोलॉजिकल यूनिट फॉर अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द रिवर बेसिन मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री रीजन। तो बेसिकली तीन रीजन होते हैं जिनके कारण से हम लोग पूरी की पूरी इस स्टडी को देख रहे होते हैं। क्या वो तीन रीजन है? सबसे पहले किस ऑर्डर में इनको हमें प्लेस करना है, देखना है किस तरीके से हम इसको प्लेस करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगेन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है और उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों। दूसरी जो हमारे पास पैटर्न आ जाती है, दे आर द एरियल यूनिट्स हुज जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। अगेन अगर मान लीजिए वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, या फिर मान लेते हैं रिवर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया वाटर का, जिसके कारण से फ्लडिंग वगैरह आ जाती है, तो हमें ये पता कहां चलेगा, रूट कॉज क्या है इसका। तो रूट कॉज अगर आपको जानना है, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जहां पर भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो रूट कॉज जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये ओरिजिन कहां से है, और यही इस ओरिजिन पे आप हमेशा फिर सोल्यूशन की ढूंढ रहे होंगे, सोल्यूशन को ढूंढ रहे होंगे क्या है। तो अगेन इस वजह से हमको ये पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दे कैन बी ट्रीटेड एज वर्किंग सिस्टम विद एनर्जी इनपुट ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड आउटपुट ऑफ वाटर डिस्चार्ज एज रन ऑफ। तो एज यूजुअल ये काफी ज्यादा एक्सप्लेन ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेन है, तो इसको हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, ये ड्रेनेज सिस्टम का जो पूरा पूरा पैटर्न है, ये बेसिकली डिसाइड कौन कर रहा होता है, किस तरीके से ये चलती है, तो ये होती है अमेरिकन ज्योग्राफी यूनियन के द्वारा। द कमिटी ऑन रन ऑफ ऑफ अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियन ट्रीट द माइक्रो यूनिट ऑफ ए रिवर बेसिन एज वॉटरशेड। तो बेसिकली जो भी माइक्रो यूनिट है, छोटी सी छोटी ट्रिब्यूटरी भी एक माइक्रो यूनिट के रूप में निकल के आ जाती है, जो वॉटरशेड बना रही है, वाइल द सम ऑफ ऑल माइक्रो मीजो एंड माइक्रो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इज नोन एज रिवर बेसिन। तो जितनी भी अगर छोटी मोटी रिवर देखें, जैसे मान लीजिए गंगा ही है, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सोन हो गया या पुनपुन हो गई या फिर काली, वो बहुत सारे नंबर रामगंगा बहुत सारी निकल के आ जा रही होती है, तो हम लोग उसी को माइक्रो मीजो और माइक्रो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और अल्टीमेटली हम लोग एक रिवर बेसिन इसको बना देते हैं एंड अल्टीमेटली इसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस ड्रेनेज सिस्टम। आगे बढ़े अगर, अब थोड़ा सा देखें हम लोग ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। तो अब ड्रेनेज पैटर्न को देखने के लिए थोड़ा सा पहले मैं यहां पर एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है। जैसे मान लेते हैं दिस इज माउंटेन। अब रिवर आप लोगों ने बचपन में सीनरी हमेशा इसी तरीके से जरूर बनाई होगी कि माउंटेन के पीछे से निकल के आती है रिवर। मान लेते हैं ये तो बचपन में आपने बनाया था, मान लेते हैं यहीं पर एक नया माउंटेन निकल के आ गया। जैसे ही यहां पर नया माउंटेन निकल के आएगा, अब ये जो रिवर निकल के आ रही थी वो तो ब्लॉक हो गया, अब यहां पर तो इसको ब्लॉकिंग मिल गई, अब यहां पर वाटर निकल के नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब ये जो आगे रिवर फ्लो हो रही थी ये पूरी की पूरी एरिया अब ड्राई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है नहीं, वाटर है नहीं, जितना वाटर था निकल करके चला गया। तो अब रिवर अपना दूसरा पाथ ढूंढ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज,
इस माउंटेन को कट करके यहीं से निकल सकती है। तीसरी चीज हो सकता है ओवरफ्लो करके निकल करके आ जाए। तो बेसिकली तीन तरीके हुए। इसका जरा साइड व्यू देखिएगा, ये मान लेते हैं माउंटेन है, दिस इज द माउंटेन। फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और साइड व्यू देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। मान लेते हैं रिवर हमारी जो आ रही थी, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखे। यहां पर मान लेते हैं कि रिवर पहले आ रही थी, ये हमारी पहले रिवर थी, लेकिन अब यहां पर ब्लॉकिंग हो गई। अब ब्लॉक होने के कारण से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा अब सिस्टम यहां पर ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के कारण से क्या कुछ हो सकता है, व्हाट आर द पॉलिसी, कह सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। एक तरीका है इस पूरे जो भी यहां पर सिस्टम आया है इसको ब्रेक करे, तोड़ दे और अल्टीमेटली रिवर इसी तरीके से फ्लो करे, नंबर वन पॉसिबिलिटी। नंबर टू पॉसिबिलिटी, यहां पर ये अटकेगा, पैरेलल चलना शुरू कर दे इधर के साइड में, क्योंकि ब्लॉकिंग तो है नहीं यहां पर। जैसे क्या होता है, पानी मान लीजिए रुका, मान लीजिए आपके पास वाइपर है, सपोज दिस इज योर वाइपर, अब पानी बह रहा है, आपने क्या कर दिया, वाइपर यहां के खड़ा कर दिया। अब क्या होगा, पानी इधर के इधर फ्लो कर जाएगा पैरेलल टू द यहां पर जो भी इसका सरफेस रोक रहा है, तो वही पैरेलल यहां पर भी वाइपर के रूप में आप समझ सकते हैं कि यहां पर फ्लो कर जाएगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल पॉसिबल है एकदम। देखिए ना, लद्दाख और जास्कर जो माउंटेन रेंज है, इन दोनों के बीच से इंडस निकल रही होती है, तो वही तो चीज है, यहां पर पैरेलली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वाटर के पास अपनी खुद की वेलोसिटी और ये ओवरफ्लो कर गया है, और यहां से ये ओवरफ्लो जब करेगी तो यहां पर बना लेगी वाटरफॉल, वाटरफॉल बना करके फिर उसके बाद से चीजें निकलना शुरू कर दे, नीचे गिरना शुरू कर दे। तो दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, खेल क्या है, खेल है ओरिजिन का, और ओरिजिन क्या है, माउंटेन आया, माउंटेन आया उसके कारण से पैटर्न चेंज हुआ। अगर हमें ये डिफरेंट पैटर्न अगर हमें पता चल गया कि नंबर वन फॉलो हो रहा है या नंबर टू फॉलो हो रहा है या नंबर थ्री फॉलो हो रहा है, हम ये बता देंगे कि ये माउंटेन आया रहा होगा, इसी कारण से ये वाला पैटर्न आया है। तो अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली हमें ये पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर आपको माउंटेन की स्टडी करनी है, सीधी सी बात है, आपको देखना पड़ेगा वहां का रिवर पैटर्न कैसा है, पता चल गया कोई दिक्कत नहीं है। रिवर की स्टडी करनी है, वाटर शॉर्टेज की स्टडी करनी है, आपको पता करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सरस्वती रिवर हुआ करती थी, सरस्वती रिवर, ये सरस्वती रिवर अब ड्राई हो गई है, क्यों, रीजन क्या है, अगेन माउंटेन रेंज पैटर्न जाकर के हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर। क्लियर हो गया। यहां पर जब सिस्टम देखेंगे तो अजियोमॉर्फ अजियोमेट्रिक पैटर्न ऑफ स्ट्रीम इन रीजन डिटरमाइंड बाय स्लोप डिफरिंग रॉक रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, अगेन देखिए यही चीज, एंड इरोजन, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑफ लैंडस्केप नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। तो हालांकि मैंने यहां पर केवल और केवल आपको एक स्ट्रक्चरल कंट्रोल बताया, एक तरीके से वेदरिंग एंड इरोजन का पैटर्न बताया है, कई और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी मतलब वाटर की वॉल्यूम की जो भी जरूरत है वो हो सकती है, या स्ट्रक्चरल कंट्रोल भी हो सकता है इस तरीके से। तो दे आर अ नंबर ऑफ रीजंस, जैसे माउंटेन का हो गया वैसे ही नंबर ऑफ अदर रीजंस भी हो सकते हैं एक ड्रेनेज पैटर्न को इंपैक्ट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, ड्रेनेज पैटर्न रिफर्स टू अ डिजाइन विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फॉर्म टूगेदर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। तो जहां से ओरिजिन है, सोर्स से माउथ तक कहां तक जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। द फैक्टर कंट्रोलिंग द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन अ रीजन इंक्लूड क्या क्या, टोपोग्राफी हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, स्लोप हो जाएगा, क्योंकि स्लोप से ही ये रिवर उठनी है कि नहीं उठनी है इस पर डिपेंड कर जाएगा। तीसरी, स्ट्रक्चरल कंट्रोल हो सकती है, नेचर ऑफ रॉक हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, सप्लाई ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है, एंड अबव ऑल और बाकी सारी और भी चीजें एटसेट्रा। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन इन इंडिया कितने तरीके की हो सकती है ड्रेनेज पैटर्न। अब आपको ड्रेनेज पैटर्न का एक आइडिया लग गया क्या चीज है। अब हम लोग जरा पैटर्न पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ टाइप्स, या फिर कह सकते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कितने तरीके का आ रहा है। देखिए हमारे पास बहुत तरीके के हैं, जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट, और दूसरी होती है जो हमारी एक तरीके से कॉन्सिक्वेंट होती है। तो बेसिकली हमारे पास अगर मेजरली बात करें ड्रेनेज पैटर्न की, तो मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ड्रेनेज पैटर्न दो तरीके से। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं डिसकॉर्डेंट, डिसकॉर्डेंट। दो तरीके होते हैं, कॉन्सिक्वेंट या कॉर्डेंट इसको बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली कॉर्डेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ टोपोग्राफी,
अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ टोपोग्राफी। और यहां पर क्या होता है कि विच डज नॉट फॉलो टोपोग्राफी, या फिर कह लीजिए स्लोप ऑफ टोपोग्राफी, यहां पर लिख सकते हैं ट्रू स्लोप ऑफ टोपोग्राफी। अब ये क्या चीज है, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये ड्रेनेज पैटर्न वाली चीज क्लियर होगी। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा जो इंडिया है, मान लेते हैं दिस इज अवर इंडिया, और ये हमारा साउथ है, साउथ का पार्ट है, यानी कि ये ऊपर का पार्ट होगा, और बाकी यहां पर मान लेते हैं कि ग्रेट प्लेन्स का इलाका है, दीज आर द ग्रेट प्लेन एरिया, एंड ये फिर से हमारी हिमालय आ जाती है। हिमालय में हमारे पास तीन रेंज हम लोगों ने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई हिमालय, हमारी जो ग्रेटर हो जाती है, फिर हमारी ये इनर वाली हो जाती है, और ये आउटर वाली हो जा रही होती है, चलिए शिवालिक हो जाती है। बाकी इसके बाद से पेनिनसुलर इंडिया हमारी कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, आपको पता ही चल गया है, दिस इज आवर पेनिनसुलर इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे पास यहां पर एक फॉल्ट होती है, यहां पर भी एक फॉल्ट होती है, और इस एरिया में बन जाता है हमारा ग्रेट प्लेन्स, दीज आर आवर ग्रेट प्लेन्स। यहां तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में सीख चुके हैं। तो दिस इज आवर, दीज आर आवर हिमालयन सिस्टम, ये हो गई हमारी हिमालयन सिस्टम। चलिए अब देखिए, जब रिवर है, कलर ले लेते हैं रिवर का ताकि और क्लैरिटी है। रिवर है, मान लेते हैं दिस इज द स्लोप, अगर इस स्लोप को अगर फॉलो कर रही है तो ये बोली जाएगी कि ये कॉर्डेंट है, मतलब इट इज फॉलोइंग द स्लोप। अगर रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये स्लोप को फॉलो कर रही है। सिमिलरली यहां पर जो भी आ रहा है, जहां पर भी स्लोप है, उधर अगर आ रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्डेंट है, क्योंकि वो स्लोप को फॉलो कर रही है। दूसरी एक हो सकती है जो स्लोप को फॉलो ना करे, स्लोप को जो फॉलो नहीं करेगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी कि यहां पर तोड़ना, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। इरोजन कैसे, ये है स्लोप लेकिन बह रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, इसका 3D अगर फिगर बनाएंगे कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इस सरफेस पे फ्लो कर रही है, ये हो गया विच इज नॉट फ्लोइंग एक्चुअली द स्लोप। और ये क्यों हो सकता है, ये हो सकता है फिजिकल बैरियर्स के कारण से, ये हो सकती है फिजिकल बैरियर, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कोई ना कोई चीज आ गई, जैसे मान लेते हैं यहां पर आ गई विंध्या, यहां पर आ गई सतपुड़ा, बीच में बह जा रही है आपकी नर्मदा, तो ये बेसिकली इस कारण से हो जा रही होती है, या कोई ब्लॉक आ गया, या कोई नया माउंटेन यहां पर उठ गया और उसके कारण से यहां पर फ्लो जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो होती है, जो स्लोप को फॉलो नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसकॉर्डेंट। समझ में आ गया क्या चीज है, चलिए इसको जरा मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए हमारे पास दो तरीका हो गया, एक जो स्लोप को फॉलो करता है, और दूसरा जो डज नॉट फॉलो द स्लोप, डज नॉट फॉलो स्लोप। ये देखिए सारा कुछ मैं केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूं क्या चीज है। यहां पर देखिए एंटीसीडेंट होती है, कंसिक्वेंट होती है, वन बाय वन करके पहले यहां पर नाम देखेंगे, फिर उसके बाद से इसके डिटेलिंग देखेंगे, और वापस से हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में कौन सा कॉनकॉर्डेंट और कौन सा डिसकॉर्डेंट है, तो एंड में देखेंगे क्या कुछ है, देखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर देख लेते हैं फटाफट नाम कौन कौन से, पहले एंटीसीडेंट, दूसरा कंसिक्वेंट, तीसरा सबसिक्वेंट, चौथा सुपर इंपोज, या इसी को बोलते हैं डिसकॉर्डेंट। फिर होती है डेंड्रिटिक ड्रेनेज, ट्रेलीज ड्रेनेज, बार्ड ड्रेनेज, अदर्स। अदर्स में नंबर ऑफ चीजें अलग अलग हो जाती है, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया या फिर एसेंचुएटेड हो गया, नंबर ऑफ हो जाती है। जरा वन बाय वन करके सबको देखना शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आ जाती है हमारी एंटीसीडेंट और इनकंसिक्वेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट क्या होता है देखते हैं पहले। देखिए यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दी हुई है, इसलिए मैं आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू समझा देंगे। तो यहां पर बोलता है एंटीसीडेंट क्या होती है, यहां समझिए। जैसे मान लेते हैं सपोज दिस इज प्लेन एरिया, यह है प्लेन एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन एरिया अपना है। इस प्लेन एरिया पर क्या है, मान लेते हैं कि रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही थी। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, और थोड़ा मोटा ले लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं कि हमारी रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, दिस इज आवर रिवर, रिवर का फ्लो है। लेकिन अब क्या होता है, यहां पर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से माउंटेन इकट्ठा हो गया, ये हमारा माउंटेन हो गया। अब माउंटेन हो जाएगा तो सीधी सी बात है, होगा क्या, रिवर अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगी। कैसे चेंज कर सकती है, बहुत तरीके से चेंज कर सकती है। एक तरीका हो सकता है कि ये अब मूव करेगी इस हिल के, जो भी ये माउंटेन है इसके चारों ओर, और यहां से निकलना शुरू कर देगी जो भी इन दोनों के बीच में पास बन गया है। जैसे यहां पर मान लेते हैं ये लद्दाख है और ये मान लेते हैं जास्कर है, इन दोनों के बीच से इंडस रिवर निकल जा रही है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके का एंटीसीडेंट, मतलब कि जहां पर हमारी रिवर जो निकल रही है वो माउंटेन के, मतलब माउंटेन पहले नहीं था, पहले रिवर थी,
और रिवर जो है अपना कोर्स चेंज कर रही है क्योंकि अब जो है माउंटेन आ गया। तो माउंटेन अपलिफ्टमेंट के कारण से जब भी रिवर अपनी पैटर्न को, ड्रेनेज पैटर्न को चेंज करती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज। क्लियर हो गया, पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, द रिवर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अपहीवल ऑफ हिमालय एंड कट देयर कोर्स साउथवर्ड बाय मेकिंग गॉर्जेस। अब गॉर्ज क्या होती है, गॉर्ज आप लोगों को पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, लैंडफॉर्म वाले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें बता रखी गई है, बहुत डिटेल में समझाया गया है। और यहां पर बेसिकली जीसी लियोंग को पूरा समझाया गया है, जीसी लियोंग में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ यहां पर बताई गई है। यहां पर देख लेते हैं, गॉर्जेस इन द माउंटेन आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर। समझ में आ गया क्या चीज है। एग्जाम्पल के रूप में ये एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रिलिम्स में लगातार पूछी जा रही होती है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा क्या चीज है। जैसे इंडस हो गया, सतलज हो गई, गंगा हो गया, सरयू या इसको काली भी बोलते हैं, इसके अलावा अरुण हो गई जिसको हम लोग कोसी भी बोलते हैं, तीस्ता हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट रिवर है जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद करिएगा। कौन कौन सी है, स्टार्ट करिए हिमालय से, कौन कौन सी हो गई हिमालय साइड में, पहले इंडस हो गई, इंडस के बाद फिर आपकी सतलज हो जा रही होती है, सतलज मानसरोवर आकाश लेक से निकलती है, फिर उसके बाद से गंगा निकल गई गंगोत्री से, फिर निकल जाती है हमारी सरयू जो काली रिवर है, या फिर काला पानी रिवर भी नेपाल में बोला जाता है, उसी का इश्यू चल रहा है इस समय। फिर अरुण रिवर हो गई जिसको कि हम लोग बिहार में कोसी के नाम से जान रहे होते हैं, फिर उसके बाद से तीस्ता रिवर हो गई जो कि हमारी सिक्किम साइड से निकल रही होती है, फिर हमारी हो गई ब्रह्मपुत्रा जो कि बेसिकली चाइना से होकर के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से हमारी आ रही होती है। तो बेसिकली जितनी भी रिवर्स आप देखेंगे सारी की सारी हिमालयन रिवर्स हैं, इसीलिए कई बार आप लोगों को एग्जाम में दे देगा कि ये हिमालयन रिवर्स होती हैं जो बेसिकली एंटीसीडेंट बना रही होती हैं, और आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी कि आखिर में क्यों ऐसा है। समझ में आ गया। चलिए खैर आगे बात करें, दूसरी होती है कंसिक्वेंट रिवर। व्हाट इज कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट का मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं। पहले द रिवर विच फॉलोज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर जरा हाईलाइटर ले लेते हैं और यहां पर पहले माउंटेन बना लेते हैं कलर को चेंज करके। अब देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा माउंटेन है और माउंटेन के बाद हमारी रिवर आ जा रही है। रिवर मान लेते हैं पहले इस तरीके से फ्लो करती थी, बट नाउ इट इज फॉलोइंग द स्लोप, स्लोप को फॉलो कर रही है। तो जो स्लोप को फॉलो करना शुरू कर देती है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर्स। जो भी माउंटेन से निकल के आती है, जैसे कई सारी रिवर हो सकती है, जैसे जितने भी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स है वो इसी को बोलेंगे आप। समझ में आ गया क्या चीज है। अब देखिए यहां पर पढ़ते हैं, द रिवर विच फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप, जो भी जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप है उसको फॉलो कर रही है। जैसे जैसे आपकी कृष्णा रिवर हो गई जो कि माउंटेन को फॉलो कर रही होती है, गोदावरी रिवर हो गई अगेन वही माउंटेन को फॉलो कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर कंसिक्वेंट रिवर्स। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल रिवर लाइक गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, डिसेंडिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो अगेन आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ स्लोप को फॉलो करे। क्लियर हो गया। सबसिक्वेंट रिवर क्या होती है, यहां जरा समझने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोगों ने इंडिया का फोटो बनाया हुआ अभी थोड़ी देर पहले, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि ये हमारी हिमालयन सिस्टम है, ग्रेट प्लेन है, फिर उसके बाद से हमारी ये पेनिनसुलर इंडिया इस तरीके से आ जा रही होती है। यहां से हमारी जो रिवर है वो निकली हुई है, मान लेते हैं गंगा, दिस इज बेसिकली गंगा, और ये गिर कहां रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने देते हैं बे ऑफ बंगाल। अब देखिए यहां चूंकि ये स्लोप है तो स्लोप को रिवर फॉलो कर रही होंगी, फॉलो कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी, बिल्कुल कर रही होंगी। यहां पर छोटे छोटे रिवर्स हो सकती हैं जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में गंगा से जाकर के जुड़ जा रही हैं। अब जब ये आपको, ये तो हुआ आपको जब फ्रंट व्यू देख रहे हैं, जब आप टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा गंगा उत्तराखंड से निकल रही है, ऐसे मूव कर रही है अलग अलग स्टेट में और बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। ऊपर से जो आ रही है रिवर वो तो आपकी हिमालयन हो गई, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो साउथ से निकल के आ रही, जैसे सोन हो गया, पुनपुन हो गई, या अलग अलग इस तरीके से रिवर निकल के आ जा रही होती हैं। इन रिवर को, इन ट्रिब्यूटरी को, जो ये मेन रिवर है इनसे जुड़ रही है, ये हमारी मेन रिवर है इससे जुड़ जा रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सब सीक्वेंट रिवर। इस तरीके को बोलते हैं सब सीक्वेंट रिवर। सब सीक्वेंटली विच एड्स टू द मेन रिवर दे आर ऑल्सो नोन, दे आर नोन एज सब सीक्वेंट रिवर। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए यहां पर क्या है कि अ ट्रिब्यूटरी सिस्टम दैट इज इरोडेड अलॉन्ग एन अंडरलाइंग बेल्ट ऑफ नॉन रेसिस्टेंट रॉक After the main drainage system, consequent river has been established is known as subsequent river. तो बेसिकली क्या है, इरोजन के कारण से ये अपनी पैटर्न चेंज कर करके इसी मेन रिवर में आकर के, consequent river में आकर के जुड़ जाती हैं और इस तरीके से ये subsequent river कहलाना शुरू कर देती हैं।
ड्यू टू द नॉर्थवर्ड स्लोप ऑफ पेनिनसुलर टुवर्ड्स द ग्रेट प्लेन, अगेन यही नॉर्थवर्ड स्लोप जो है जो आपकी ग्रेट प्लेन की तरफ है, द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विंध्या एंड द सतपुरा फ्लो नॉर्थवर्ड टू द गंगा सिस्टम. जैसे अभी हम लोगों ने देखा जो चंबल हो गई, सिंध हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गया, टंस हो गया, सोन हो गया, दे ऑल मीट इन द यमुना एंड गंगा एट राइट एंगल. दे आर सबसिक्वेंट ड्रेनेज ऑफ गंगा ड्रेनेज सिस्टम. तो अब आपको समझ में आ गया होगा सबसिक्वेंट का मतलब क्या है. जो स्लोप को फॉलो करते हुए तोड़ते फोड़ते मेन रिवर से आकर के मिट जा रही होती है उसी को बोलते हैं हम लोग सबसिक्वेंट रिवर. आगे बात करते हैं, आगे है सुपर इम्पोज्ड. सुपर इम्पोज्ड में क्या चीज होती है? अच्छा एक चीज और यहां पर देखिए, सबसिक्वेंट जो आई थी ये क्या है, स्लोप को फॉलो कर रही है, यानी कैसी होगी, ये होगी कॉनकॉर्डेंट. सिमिलरली यहां पर हमारी बाकी कंसिक्वेंट है, ये स्लोप को फॉलो कर रही है, कॉनकॉर्डेंट, कोई दिक्कत नहीं है. सुपर इम्पोज्ड के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं. अगेन देखिए लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत ही भारी भरकम सी लैंग्वेज है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, समझिएगा. पहले हम लोग बना लेते हैं माउंटेन, और माउंटेन बनाने के लिए कलर को कर देते हैं चेंज. अब देखिए ये हमारा मान लेते हैं कि माउंटेन है, दिस इज आवर माउंटेन, ठीक है. माउंटेन पे क्या है, अब हमारी रिवर निकलती है, रिवर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो रिवर जो फ्लो कर रही है ऑब्वियसली वो इस तरीके से निकल रही होगी, क्योंकि ये स्लोप को ऑब्वियसली क्या है कि पास दोनों के बीच में जो भी खाली एरिया होगा, पासेस होंगे, उसी से निकल रही होगी. तो यहां से हमारी रिवर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इस तरीके से चल रहा है, क्लियर. लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि माउंटेन अपलिफ्टमेंट हो गई यहीं पर. माउंटेन अपलिफ्टमेंट होने के कारण से पूरा इलाका हो गया ब्लॉक. जब ये इलाका ऐसे ब्लॉक हो गया, अब क्या इसको वाटर मिल पाएगा, जो हमारी रिवर है, वाटर नहीं मिल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जब वाटर नहीं मिलेगा तो होगा क्या, यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. तो अब इसके पीछे जरा चलते हैं, बैक साइड ऑफ दिस माउंटेन क्या चल रहा है. बैक साइड ऑफ दिस माउंटेन पे जब आप आएंगे तो उसका फोटो बना लेते हैं. ये मान लेते हैं ये वाला माउंटेन नंबर वन है, तो ये वाला माउंटेन कुछ इस तरीके से उठा हुआ होगा, जो कलर्ड फॉर्मेट में है, हमारा भी इधर भी कलर है, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी के जो माउंटेन है इसी तरीके से उठे हुए हैं, और इस तरीके से हमारे माउंटेन है. यहां पर बैक साइड में हमारी रिवर जो है वो इकट्ठी हो रही थी, यहां पर रिवर जो होती है वो आ रही थी, लेकिन अब इसके आगे पहुंच नहीं पा रही है, इसके आगे जा नहीं पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब होगा क्या, अब होगा ये, एक ऑप्शन क्या है, इसको तोड़ फोड़ दे, इसको ब्रेक करे और यहीं से निकल जाए, और यहां पर ब्रेक होकर के आगे की ओर फ्लो बना ले. लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. अब जब हो नहीं पाएगा तो क्या होगा, रिवर का फ्लो तो ऑब्वियसली बना हुआ है, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकल के आ रही है, ऊपर कहीं से निकल के आ रही है. होगा क्या, अब जो ये पैटर्न इसका ऐसे चल रहा था, इस पैटर्न को अब ये हटाएगी, और यहां पर जो ये पूरा का पूरा प्लेन सरफेस बना हुआ है माउंटेन का, ये जो प्लेन सरफेस बना हुआ है माउंटेन का, जो यहां पर प्लेट टेक्टोनिक के कारण से उठ गई है पूरी की पूरी ये माउंटेन, अब क्या होगा, इस सरफेस पे, इस सरफेस के पैरेलल, मतलब कि इस सरफेस के पैरेलल कहने का मतलब क्या है, अब ये ऐसे बहना शुरू कर देगी. क्यों? क्योंकि वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अब ये इस तरीके से बहना शुरू कर देगी. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको इरेज करके जब देखेंगे और साधारण पेन से देखते हैं, ये जो माउंटेन, जो रिवर पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी, जिसको कि माउंटेन ने ब्लॉक मार दिया है, ये ब्लॉक हो गया, अब क्या हुआ, जो रिवर है वो अब इस तरीके से चलना शुरू कर देती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस फ्लो में चलना शुरू कर देती है, क्योंकि वाटर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा और वेलोसिटी काफी ज्यादा है, ब्लॉकिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन सरफेस आ गया, प्लेन सरफेस आएगा तो उसके ऊपर में ये फ्लो करना शुरू कर दी, फ्लो करके अपने पैटर्न को, खुद के पैटर्न को ही इसने सुपर इंपोज कर दिया. द न्यू रिवर हैज सुपर इंपोज इट्स अर्लियर ड्रेनेज पैटर्न, और इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सुपर इंपोज. सीधी सी बात है, क्या ये स्लोप को फॉलो कर रही है क्या? नहीं, स्लोप को फॉलो नहीं कर रही है, यानी ये कैसी रिवर हो जाएगी? डिस्कॉर्डेंट, इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए डिस्कॉर्डेंट है ये. क्लियर हो गया क्या चीज है. अब जरा ये पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, इट इज फॉर्मड विद अ स्ट्रीम विद अ कोर्स ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड ऑन ए कवर ऑफ रॉक. तो पहले इसका कोर्स था जो कि कवर ऑफ रॉक से, अब ये रुक गया है, नाउ रिमूव्ड बाय इरोजन, सो दैट स्ट्रीम ऑन ड्रेनेज सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूली एक्सपोज्ड रॉक एंड स्ट्रक्चर. तो जो स्ट्रीम है वो इससे इंडिपेंडेंट है, पुरानी वाली जो चल रही थी वो अलग चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इन अदर वर्ड, इट इज अ ड्रेनेज पैटर्न विच एग्जिबिट डिसकॉर्डेंस विद द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर बिकॉज इट ओरिजिनली डेवलप ए कवर ऑफ रॉक दैट हैज नॉट डिसअपीयर ड्यू टू डेन्यूडेशन. तो यहां पर क्या है, डेन्यूडेशन होना शुरू हो जाएगा, और बल्कि जो प्लेन नहीं होंगी वो और प्लेन हो जाएगी, और इस तरीके से हमारी जो माउंटेन, जो हमारी ड्रेनेज पैटर्न है, वो इस तरीके से चलना शुरू कर देगी.
Consequently, river direction relate to the former cover rock and the later were being eroded. The river has been able to retain its course unaffected by the newly exposed structure. The stream pattern is then superimposed on or placed on ridges or structural features that were previously buried. इस तरीके की रिवर कौन कौन सी हैं? जैसे एक रिवर है जो नाम है दामोदर हो गया, सुबर्णरेखा हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई. इस तरीके की रिवर जो होती हैं वो सीधे सीधे जो माउंटेन है उसको या फिर जो भी सरफेस आया उसको ये पूरे की पूरी सुपर इम्पोज करके अपनी जो ट्रिब्यूटरी है वो निकाल करके आगे बढ़ गई है. क्लियर हो गया क्या चीज है? काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा, सुपर इम्पोज आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है बट यहाँ पर एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. आगे आती है हमारी डेंड्रिटिक पैटर्न. डेंड्रिटिक का मतलब होगा, डेंड्रिटिक का मतलब होता है जैसे एक तरीके से कह सकते हैं आप ट्री टाइप. ट्री टाइप मतलब ट्री, जैसे आप क्या है ये मान लीजिए मेन हमारा स्टेम है, मेन जो होती है वो स्टेम है, फिर उसके बाद से ब्रांचेस निकली होती है अलग अलग. अब इन ब्रांचेस में अलग ब्रांचेस निकलती है, उसमें अलग ब्रांच होती है. इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ टाइप की ब्रांचेस हो जाती है. इस पूरी की पूरी ब्रांचिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं डेंड्रिटिक. सेम वही चीज यहां पर भी है. ये मान लेते हैं मेन रिवर है, इस मेन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होगी, इस ट्रिब्यूटरी की अपनी अलग ट्रिब्यूटरी होगी, छोटी मोटी अलग तालाब नदी पहाड़ कुछ भी बना के रखे हुए हैं सब. तो इस तरीके की जो ये पूरी की पूरी सिस्टम होती है इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज. इस तरीके की ड्रेनेज काफी ज्यादा हमें गंगा सिस्टम में देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग इलाके में जैसे ही जाती है आपको अलग नाम देखने को मिल जा रहा होता है. मतलब इनफैक्ट कभी आपने सोचा भी होगा कि हम कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो बेसिकली गंगा रिवर के बारे में आप पढ़े होते हैं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पढ़े रहते हैं. लेकिन अगर आप वही ट्रिब्यूटरी को देखेंगे उत्तर प्रदेश में आएंगे, अगर अयोध्या में देखेंगे अलग नाम से जानी जाती है, गोरखपुर में देखेंगे अलग नाम से जानी जाती है, लखनऊ में आएंगे वहां अलग नाम से जानी जाती है, अगर बीच में कहीं और गोंडा वगैरह में आ जाएंगे उसका अलग नाम होता है. तो ये लगातार इसकी नेम चेंज होती रहती है इलाके इलाके से, क्योंकि इसकी अलग अलग डेंड्रिटिक पैटर्न पहुंची हुई रहती है. तो इसी को बोलते हैं डेंड्रिटिक. द टर्म यूज फॉर ड्रेनेज विच इज ब्रांचिंग, रेमिफाइंग और डिसकॉमिसिंग, thereby giving the appearance of a tree. Does a dendritic pattern develop in a terrain which has uniform lithology and where faulting and jointing are insignificant? Massive crystalline rock or thick plains consisting of clays. Most of the river of the Indo-Gangetic plain. देख रहे हैं आप? Are the dendritic pattern? क्यों होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे. Why? Why का आंसर सीधे सीधे है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है दूसरी चीज वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है. जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो कोई भी कहीं पर भी अगर ऑब्स्टकल मिलेगा उसको साइड करके वो नया पैटर्न बना देगी, और नया पैटर्न बना देगी तो एक नया डेंड्रिटिक पैटर्न निकल के आ जाएगा. यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि डेंड्रिटिक शब्द की जो खोज की थी, द टर्म वॉज कॉइंड बाई आई सी रसेल. नाम याद रखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं इसको कोट कर सकते हैं. अब इतना आई सी इंटीग्रेटेड चिप नहीं बनाने की जरूरत है, आप रसेल के नाम से भी याद रख सकते हैं. इट इज डिनोटेड, it is used to denote the most common type of drainage pattern and is distinctive feature of the region having horizontally bedded and sedimentary rock of massive igneous rock. to ye aapko clarity aa gayi hogi kya cheez hai. next aati hai hamari trellis drainage. trellis mein kuch nahi hota hai, ye maan lete hain ki hamara main drainage hai, matlab main river hai. this is a trunk river ya fir bol sakte hain main river, trunk ye hamari river ho jati hai, jaise ganga ho gayi. ab yahan par kya hai, jo bhi tributary isse judegi wo agar wo perpendicular 90 degree pe jud rahi hai to usko hum log bolte hain trellis. ये जुड़ जाएगी तो ट्रेलीज हो जाएगी. क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों ऐसा हुआ. इसलिए हुआ क्योंकि यहां यहां पर कोई ना कोई ऑब्स्टकल है. ऑब्स्टकल कौन से हो सकते हैं? ऑब्स्टकल हो सकते हैं जैसे माउंटेन, जैसे हो सकता है प्लेटू, फिर यहां पर माउंटेन. दो माउंटेन के बीच में जो प्लेटू आ जाएगी उसका नाम होता है इंटरमोंट प्लेटू. बिल्कुल पॉसिबल है इस तरीके की चीज. अब समझ में आ गया क्या चीज है ड्रेनेज ट्रेलीज पैटर्न का मतलब. चलिए, ट्रेलीज इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न, इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न. यहां पर ये नोट करिएगा क्योंकि अभी हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न भी देखेंगे आगे जाकर के. दीज आर फॉर्म्ड वेयर टू सेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंट्रोल अकर एट राइट एंगल. इन अ ट्रेलीज पैटर्न द रिवर फॉर्म्स अ नेट लाइक सिस्टम एंड द ट्रिब्यूटरी फ्लो पैरेलल टू ईच अदर. द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन ऑफ द सिंहभूम छोटा नागपुर प्लेटू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रेलीज पैटर्न. क्लियर हो गया. इसके बाद आती है बार्ब्ड पैटर्न. बार्ब्ड का मतलब क्या होता है? बार्ब्ड को हिंदी में बोला जाता है कांटा. दिस इज द कांटा. व्हाट इज कांटा? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक माउंटेन है, इस माउंटेन पे सॉरी माउंटेन नहीं, ये हमारी कोई पेड़ है. इस तरीके से यहां पर कांटे लगे होते हैं, इस तरीके से कांटे लगे होते हैं. एंड समटाइम्स होता क्या, इसी कांटे से एक ब्रांचिंग निकल के आ जा रही होती है और हमें लगता है ये मेन ब्रांच इधर झुक जाती है और हमें लगता है कि यही मेन ट्री का पार्ट है.
इसी को बोलते हैं हम लोग बार्ड पैटर्न। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लेते हैं ये हमारी मान लेते हैं मेन रिवर है, दिस इज द मेन रिवर, और इस मेन रिवर की मान लेते हैं ये ट्रिब्यूटरी है, ये कोई एक ट्रिब्यूटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन रिवर के बीच में हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए जिसके कारण से इसका जो पैटर्न है वो यहां से बदल करके अब क्या हो जाएगा, बदल जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। करना क्या है, ऑक्सबो लेक भी तो ऐसे ही बनती है, इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। चूंकि इसके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए टर्न ले लेगा, बीच में जो भी माउंटेन होगी इसको तोड़ेगा हालांकि, लेकिन तोड़ते तोड़ते भी इसको काफी समय लग जाएगा, और तब तक के लिए ये इस तरीके से अपनी पैटर्न को चेंज करके चल रहा होगा। अगर इसको हाईलाइट करके देखें तो कुछ रिवर जो है इस तरीके से मूव कर रही है हमारी, लेकिन इस मूवमेंट में है क्या कि जो हमारी ट्रिब्यूटरी है वो तो अभी भी है, तो ये ट्रिब्यूटरी जो आ रही है वो अब सीधे ऐसे मुड़ना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसको भी ऑब्स्टिकल मिलेगा। अब होगा क्या कि यहां पर कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो मेन ट्रिब्यूटरी है, ये जो ट्रिब्यूटरी है यही इसकी मेन रिवर है, यही मेन कोर्स है, और ये जो हमारा पुराना वाला जो रिवर है जो अपना कोर्स चेंज कर दिया है, हो सकता है ये अलग ट्रिब्यूटरी बन जाए। तो आपको दिखेगा दिस इज द पैटर्न, और यही पैटर्न इस तरीके की जब पैटर्न हो जाती है जहां पर जो कांटा निकला हुआ है वही एक नया ब्रांच बना देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बार्ब्ड पैटर्न में आ गया, दिस इज द बार्ब्ड पैटर्न। क्लियर हो गया क्या चीज है, पढ़ लेते हैं। द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन विच द कंफ्लुएंस ऑफ ट्रिब्यूटरी विद द मेन रिवर कैरेक्टराइज बाय अ डिसकॉर्डेंट जंक्शन, क्योंकि स्लोप तो फॉलो नहीं कर रहा है, एज इफ द ट्रिब्यूटरी इंटेंड टू फ्लो अप स्ट्रीम एंड नॉट डाउन स्ट्रीम, दिस पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ कैप्चर ऑफ मेन रिवर। जैसे कई बार होता है ना हमारी रिवर पैटर्न में भी कि हमारी जो रिवर्स होती हैं कोई कहीं पर मूव कर रही है तो वो फिर कैप्चर कर ली जाती है दूसरे रिवर के द्वारा या फिर दूसरे ट्रिब्यूटरी के द्वारा, विच कंप्लीटली रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए कंप्लीटली रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहां पर निकल के आ गया है, व्हाइल द ट्रिब्यूटरी कंटिन्यू टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मर वन, जबकि ट्रिब्यूटरी जो होती है उसी डायरेक्शन में चलती रह रही है, और इस तरीके से हमारा मेन रिवर का पैटर्न बन जा रहा है। जैसे अनुर रिवर हो गई जो नेपाल में हमारी काली काला पानी रिवर के नाम से जानी जाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन दिस बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या चीज है ये। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। हम लोगों ने अभी बात किया हुआ था ट्रेलीज के बारे में, ट्रेलीज में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो मेन रिवर है इसकी जो भी ट्रिब्यूटरी है वो परपेंडिकुलरली आकर के मिल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों ने ट्रेलीज के बारे में देखा था। यहां पर बोला था हम लोगों ने माउंटेन है, यहां पर कोई प्लेटू हो गया है, यहां पर फिर माउंटेन है, सिमिलरली यहां पर भी माउंटेन है, यहां पर भी कोई प्लेटू आ गया है, यहां पर माउंटेन है। ये टाइप की क्या है, एक टाइप की रेक्टेंगुलर पैटर्न हम लोगों ने बात किया हुआ था। अब अगर मान लेते हैं सपोज इसकी भी ट्रिब्यूटरी आ गई और वो भी परपेंडिकुलर जुड़ना शुरू कर दे रही है, इस तरीके से कोई पैटर्न आ जाती है। सिमिलरली यहां पर भी हो सकता है ट्रिब्यूटरी इस तरीके से मूव करे, हो सकता है कि यहां पर ऐसे मूव करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, अभी कलर भर के दिखाता हूं तो दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारी मेन रिवर है, दिस इज आवर मेन रिवर, यहां पर एक ट्रिब्यूटरी है, यहां पर दूसरी एक और ट्रिब्यूटरी है, और इस ट्रिब्यूटरी से ये सारी ट्रिब्यूटरीज भी जुड़ी हुई है। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बीच बीच में माउंटेन आ जा रहा है या कोई हिल आ जा रही है या कोई भी एक ऐसा पार्टिकल आ जा रहा है जो इसको मूव नहीं करने दे रहा है, मिलने नहीं दे रहा है। ऑल्दो विद द टाइम बीइंग होगा क्या कि इसमें इरोजन तो होता ही रहेगा, इरोजन के कारण से ये लगातार यहां पर तोड़फोड़ होती रहेगी, इन द नियर फ्यूचर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पूरा का पूरा माउंटेन हट करके पूरा रिवर में तब्दील हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो आपको ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, और अभी के लिए ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो 100% आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। द ड्रेनेज पैटर्न मार्क्ड बाय राइट एंगल बेंड एंड राइट एंगल जंक्शन बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड मेन स्ट्रीम इज नोन एज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। इट रिफर्स फ्रॉम द ट्रेलीज पैटर्न सो दैट इट इज मोर इररेगुलर एंड ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम आर नीदर एज लॉन्ग एज और पैरेलल इन द ट्रेलीज डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहां पर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेलीज हो जाती है, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। टिपिकल एग्जाम्पल इज वॉट, जो कि विंध्यन माउंटेन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर है क्या चीज, यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि यहां पर घाटियां वैलीज है, चंबल के डाकू, ये चंबल वाला इलाका हो गया। चंबल में जब आप जाएंगे कभी, आपको मान लीजिए मौका मिलता है आगरा से, जैसे ही आप मुरैना वगैरह से आगे आप मूव करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके की वैलीज घाटियां देखने को मिलेंगी, जहां पर घाटी कुछ नहीं इस तरीके से मिलेगी कि आप एक सरफेस उठा हुआ है फिर उसके बाद डाउन है, फिर सरफेस उठा हुआ है फिर डाउन है, फिर सरफेस उठा हुआ है डाउन है। इन दोनों के बीच में बेसिकली अगर रिवर निकलती भी है तो आपको क्या दिखेगा, टॉप से जब आप देखेंगे तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर सा। समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या है, रेक्टेंगुलर।
आगे आ जाती है रेडियल पैटर्न, कुछ नहीं है रेडियल पैटर्न। देखिए मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है, दिस इज आवर माउंटेन एंड दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर। मान लेते हैं यहां से सोर्स ऑफ वाटर है, तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ आपका फ्रंट व्यू, ये हुआ फ्रंट व्यू। जब टॉप व्यू देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये हमारा मान लेते हैं रिवर सोर्स है, इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एवरी इन एवरी डायरेक्शन, सारे के सारे डायरेक्शन में जाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल और ये बन गया हमारा रेडियल पैटर्न। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, इट इज अ पैटर्न करेक्टराइज्ड बाय आउटफ्लोइंग रिवर्स अवे फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट एनालॉगस विद द स्पोक्स ऑफ ए व्हील। तो बस वही है, जो स्पोक्स ऑफ द व्हील होती है, जो पहिए के चरखे ये सब तीलियां होती हैं, उसी तरीके से होता है। इट टेंड टू डेवलप ए फ्लैंक ऑन अ डूम और वोल्केनिक कोन। तो देखिए डूम होगा या वोल्केनिक कोन होगा, उसी तरीके से ये फ्लैंक पे मूव ऑन कर रहा होगा। गुड एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज प्रोवाइडेड बाय अ रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक, जैसे नर्मदा जहां से निकल रही होती है, तीस्ता जहां से निकल रही होती है, रिवर्स लाइक नर्मदा, सोन, महानदी, यही अमरकंटक से निकल रही होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड आर गुड एग्जांपल ऑफ रेडियल पैटर्न। दीज रेडियल पैटर्न आर ऑल्सो फाउंड इन द गिरनार हिल्स काठियावाड़ एंड निखिर हिल्स ऑफ असम। तो बेसिकली इन डायरेक्शन में पाई जा रही होती है। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि रेडियल पैटर्न क्या कुछ है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है एन्युलर पैटर्न। व्हाट इज एन्युलर पैटर्न, अगेन जरा देखते हैं थोड़ा सा यहां पर भी, चलिए खैर कोई नहीं, इसी को देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कि हमारी माउंटेन है, दीज आर द माउंटेन रेंजेस, ठीक है, बहुत सारी माउंटेन है। अब मान लेते हैं रिवर है, तो रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी, रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी, यहां पर भी ऐसे फ्लो कर रही होगी। लेकिन ये जो माउंटेन है ऐसा तो है नहीं कि ये इस तरीके से ट्रायंगुलर है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, पिरामिड टाइप का होगा। तो बेसिकली आपको अगर ये इस तरीके का है, अगर ये पिरामिड टाइप का है, मतलब इस तरीके का अगर सरफेस है, तब तो ये आपका क्या बना देगा, तब तो ये बना देगा हमारा, अब देख करके ये समझ जा रहे होंगे कि ये बेसिकली रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा होगा, रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर अगर ये जो हमारा जो सिस्टम है रेक्टेंगुलर ना होकर के अगर सर्कुलर हो गया तो क्या होगा, हो सकता है इस तरीके से सर्कुलर सर्कुलर सा हो, कोनिकल शेप का हो, कोनिकल होगा तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, रिवर्स जो है वो ऐसे ऐसे फ्लो करेंगी, ऐसे ऐसे फ्लो करेंगी, ऐसे ऐसे फ्लो करेंगी, कैसे फ्लो करेंगी अभी दिखाता हूं कैसे फ्लो करेंगी। ये हमारी रिवर हो गई, ये भी हमारी रिवर हो गई, ये भी हमारी रिवर हो गई, इसकी अपनी कुछ पैटर्न होगी, डेंड्रिटिक वाली कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरी निकली हुई होंगी अलग अलग डायरेक्शन में। जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा सर्कुलर पैटर्न में कोई एक बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सर्कुलर भी नहीं है, और सर्कुलर के साथ साथ कुछ लीनियर टर्म भी यहां पर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एन्युलर पैटर्न। क्लियर हो गया एन्युलर का मतलब क्या है, यहां पर देखिए एन्युलर का मतलब हम कि इन दिस ड्रेनेज पैटर्न द सबसिक्वेंट स्ट्रीम, सबसिक्वेंट का मतलब जो मेन स्ट्रीम में जाकर जुड़ती है, मेन स्ट्रीम में जाकर के जुड़ेगी, फॉलो कर्विंग और एक्यूरेट, कर्विंग और आर्क्यूएट कोर्सेस प्रायर टू ज्वाइंटिंग द सबसिक्वेंट स्ट्रीम। तो कॉन्सिक्वेंट जो है जो मूव कर रही है उसमें आकर के जुड़ जा रहा है। दिस रिजल्ट फॉर्म फ्रॉम अ पार्शियल एडॉप्शन टू एंड अंडरगो सर्कुलर स्ट्रक्चर डूम लाइक इग्नियस इंट्रूजन बैथोलिथ द सबसिक्वेंट स्ट्रीम फाइंड एन ईजियर वे टू इरोड द कंसेंट्रिक लेस रेसिस्टेंट स्ट्राटा, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन यहां पर पिथौरागढ़ वगैरह में पाया जा रहा होता है, निर्गदी वगैरह में पाया जा रहा होता है इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एन्युलर क्या है, जहां पे सर्क्यूलर अलॉन्ग विद दैट लीनियर, और लीनियर क्या है, यही वाली जो सबसिक्वेंट है, कहां गया हमारा सबसिक्वेंट, ये हमारी जो सबसिक्वेंट जुड़ जा रही होती है। अब यहां पर देखिएगा कहां पर है, चलिए खैर नेक्स्ट आती है हमारी पैरेलल ड्रेनेज। पैरेलल ड्रेनेज का मतलब कुछ नहीं है, पैरेलली जब कोई चीज मूव कर रही होती है, मान लेते हैं ये हमारी कोई रिवर है, इसके इस तरह से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, सिमिलरली एक और रिवर है इसी तरीके से मूव कर रही है, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, सब कुछ निकले हुए हैं, लेकिन ये दोनों आप एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, दोनों पैरेलली चल रही है और अलग अलग इंडिपेंडेंट चल रही है, उसको हम लोग बोल देते हैं पैरेलल ड्रेनेज। द ड्रेनेज पैटर्न इन विच द रिवर्स फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल ड्रेनेज। द स्मॉल एंड स्विफ्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द अरेबियन सी प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, स्लोप है, दिस इज अ बेसिकली स्लोप, और स्लोप पे क्या है, अब स्लोप में देखेंगे तो 3D फिगर होगा ना, ऐसे होगा। अब इस स्लोप में मान लेते हैं कि एक रिवर निकली अपनी, एक जाकर के गिर रही है, अपने कुछ ट्रिब्यूटरीज बना करके रखी होगी, सिमिलरली दूसरी रिवर ऐसे ही गिर रही होगी, अपने कुछ ट्रिब्यूटरी बनाकर रखी होगी, इस्टुरी वगैरह इस तरीके से जाकर के बन रहा होगा। तो ये बन गया क्या, दिस इज रिवर नंबर वन, दिस इज रिवर नंबर टू, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों पैरेलल है, क्यों, क्योंकि स्लोप है, स्लोप के कारण से। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। नाउ डीरेंज्ड पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज डीरेंज्ड पैटर्न। देखिए डीरेंज्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, दिस इज एन अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज करेक्टराइज्ड बाय अ रीजन रिसेंटली। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, और इस माउंटेन में मान लेते हैं कि कहीं से रिवर बह रही थी, मान लेते हैं कुछ इस तरीके की रिवर बह रही थी, ऐसे ही रिवर जा रही थी,
पैरेलल मतलब कि इसके फुट हिल्स पे चल रही है। हुआ क्या, यहां पे ग्लेशियर अवेलेबल था, ये पूरा का पूरा ग्लेशिएटेड था। सपोज ये ग्लेशियर पिघला और यहां जाकर के लकुस्ट्रीन मटेरियल जो होते हैं वो जाकर के जमा हो गए। अब लकुस्ट्रीन मटेरियल जब जाके जमा होंगे तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर सिस्टम बदल जाएगा और कुछ इधर तरीके से या कुछ और तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देगी। एक अलग तरीके की ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगी जो कि अब अरेंज्ड नहीं होगी, दिस विल कन्वर्ट इन डीरेंज्ड पैटर्न। कुछ अलग तरीके का ही हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा जो कि अरेंज्ड नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डीरेंज्ड पैटर्न। बहुत ही आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको यह ध्यान रखना है कि यहां का जो ग्लेशियर का मटेरियल है वो लकुस्ट्रीन के फॉर्मेट में नीचे जाकर के गिर गया है और इस तरीके से हमारी जो मेन रिवर थी उसके कोर्स को इसने चेंज कर दिया है। तो बस पढ़ लीजिए, दिस इज अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रीजन रिसेंटली वैकेटेड बाय अ आइस शीट, दिस इज प्रॉब्ली ड्यू टू इररेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर डिपॉजिट मटेरियल जो कि लकुस्ट्रीन भी बोलते हैं, केम कैटल, एंड बाय द फैक्ट दैट देयर हैज बीन इनसफिशियंट टाइम फॉर द ड्रेनेज टू बिकम एडजस्टेड To the structure of solid rock underlying the glacial drift. तो यहां पर क्या इसको टाइम नहीं मिला और अब फिलहाल के लिए ये अपना कोर्स किसी तरीके से चेंज कर दिया है। बाद में हो सकता है यहां पर देखिए इरोजन वगैरह होगा, there is always a possibility that it will regain its original shape, but at the present we can say that it has changed its original pattern. और इसी वजह से इसको बोला रहा है deranged pattern. The picture is one of the numerous water course, lakes and marshes. Some interconnected and some in local drainage basin of their own. This type of drainage is found in glaciated valley of Karakoram. यहाँ पर पाई जा रही होती है। तो ये हम लोगों ने basically देखा आज पूरे river pattern के बारे में। Next class में हम लोग discuss करेंगे हमारे जो भी drainage से related जो भी theories हैं, जो भी इसकी origin के बारे में देख रहे होंगे, और इस तरीके से हम लोग next class में बात कर लेंगे जो भी drainage system के अलग अलग कुछ चेहरे देख लेंगे, जैसे इंडस का देख लेंगे, ब्रह्मपुत्र का देख लेंगे, जो भी है, जो भी माजिद हुसैन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, माजिद हुसैन में जो कुछ भी लिखा है वी विल डिस्कस दैट। अगर आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। काफी लोग अपने आंसर्स भेज रहे हैं, अब तो काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, यू गाइज आर नाउ ज्वाइनिंग अस, की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर लिख करके चेक करवाए जाए तो काफी अच्छा है। बस उसको क्या है, फॉलो करते रहिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिख करके भेजते रहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड एनफ और यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद रिकॉग्निशन आईएएस, तो आप यू कैन टेक टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज की डिटेल्स जो होती है आपको एक सेपरेट वीडियो में दी गई है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है देन ओनली। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप अपने डाउट रेस करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।